जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, इस वीडियो बात करने वाले सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के 10 बेहतरीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, आईएससी बोर्ड वाली बुक अपनी डीके गोयल सर की। तो सर क्वेश्चन नंबर 4 से आपको स्टार्टिंग करनी है, जहां आपको न्यू रेशियो का हल्का फुल्का ज्ञान मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट केसेस से न्यू रेशियो निकालने को मिलेंगे कि जब कोई पार्टनर जाता है और वो ये बोल जाता है कि मेरा पार्ट शेयर इक्वली बांट लो, एंटायरली रख लो, या इस पर्टिकुलर रेशियो में रख लो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके 3 पार्ट है जो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, ए बी और सी। क्वेश्चन 4 के बाद जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 लगाना है, जहां पर क्वेश्चन में रिटायरमेंट कम एडमिशन हो रहा है, मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, आफ्टर दैट दूसरा पार्टनर एडमिट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मानता हूं। अब तक एग्जाम में नहीं आया, बट आया तो 4 मार्क्स का सेम टू सेम छप सकता है आपके एग्जाम में। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर सीबीएसई वाली बुक में, और आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर आपको एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने सीखने को मिलेगी, जो कि रिटायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों की केसेस में सेम तरीके से गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, उस पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है गुडविल के अमाउंट से, उसके हिस्से के गुडविल, और बचे हुए गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आपकी मुलाकात होगी, 16A और 16B। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। जब कोई पार्टनर आता था तो आपने एडमिशन में उसका रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना सीखी थी। जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, सेम सी होंगी, बस थोड़ा सा फर्क पार्टनर्स कैपिटल में आएगा गुडविल की एडजस्टमेंट को लेकर, और थोड़ा सा फर्क बैलेंस शीट में आएगा, आपका प्रीमियम फॉर गुडविल या जेड्स करंट अकाउंट जैसी कोई भी चीज अब नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, हॉट टाइप का क्वेश्चन आपके लिए है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिली है जो कि जाने वाला पार्टनर ले जा रहा है। तो कई बार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्यार से बनाना पड़ेगा, भले ही एक एसेट दी हुई है उसका प्रॉफिट आपको ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा, देन आप नए जाने वाले पार्टनर को रीपे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 11, 16, 23 5 बेहतरीन क्वेश्चन है जस्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए, रिफ्रेशर के लिए, स्टार्टर के लिए 5 बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहां पर आपको पार्टनर लोन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और तमाम तरीके के एडजस्टमेंट जो कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को बहुत खूबसूरत बनाता है। इसके बाद 5 और बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा पूरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और एडजस्टमेंट ऑफ लोन, सभी के सभी टॉपिक हमारे मजबूत होते जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करनी है, जहां पर सारी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट थोड़ी सी बेहतरीन होने वाली है, पहले कभी करी है आपने या नहीं करी है, अगर नहीं करी है तो आपको ये क्वेश्चन स्पेशल फील कराएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यहीं से शुरू हो रहा है दोस्त, आपके पास कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है पहले से, टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल, जिसको आपको न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा, और बाकी का एडजस्टमेंट आपको बाय कैश या टू कैश विड्रॉल या ब्रिंगिंग इन कैश वाला कॉन्सेप्ट लगाकर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि साफ साफ टॉपिक दिया हुआ रिटायरमेंट पर लोन का सेटलमेंट किस तरह होगा। दो तरीके के मेथड है, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, दोनों ही मेथड आपके एक सिंगल क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। 26, 31 करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोन पर बढ़ने वाला है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ी सी समझ में आने लगी है आपको, आप जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 35 पर, जहां पर अगेन कॉन्सेप्ट आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, कैपिटल आपकी क्वेश्चन में फिक्स्ड वाली दी हुई है, इसके साथ साथ आपको न्यू रेशियो में बांटनी है और यहां पर कैश की जगह करंट अकाउंट को यूज करना। क्वेश्चन नंबर 35 का लास्ट दो बेहतरीन क्वेश्चन रह गए और उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि अगेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, पर यह कैपिटल दी नहीं है, बस बची हुई कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है, और यहां पर भी आपको कुछ पैसा या तो कैश में विड्रॉ करना पड़ेगा, ब्रिंगिंग अप करना पड़ेगा, और या फिर करंट अकाउंट, बस पहले वाली एडजस्टमेंट में और इसमें फर्क इतना सा है, पहले वाली का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया था, यहां आपको टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल से ही एडजस्टमेंट करनी। और लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द टॉपिक ऑफ हिडन गुडविल। गुडविल छुपी हुई है, दूर दूर तक नहीं है, जिस तरह एडमिशन में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, इसी तरह रिटायरमेंट में भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू बेस्ड बना सकता है। वीडियो चलेगी तो लाइक दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके डेथ ऑफ अ पार्टनर रिजॉल्व।
सीरीज आपको यही मिलेगी। कमेंट सेक्शन बताओ ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगी।